देश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, आपको गिफ्ट्स एंड टॉयज लेना तो पसंद ही होगा, मम्मी से जिद भी खूब करते होंगे, है ना? लेकिन ये बताइए, क्या आप अपने गिफ्ट्स एंड टॉयज की केयर भी करते हैं? तो बच्चों, चलिए आपको सुनाते हैं एक ऐसे ही बच्चे की स्टोरी जिसको गिफ्ट्स एंड टॉयज खरीदना बहुत पसंद था। वन डे प्रांजल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल और मार्केट में उसकी नज़र एक शॉप में रखे हुए ब्यूटीफुल कप पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया और तभी उसने सोचा, वाओ, कितना ब्यूटीफुल कप है ये, काश ये मेरे पास भी होता। मैं आज ही अपनी प्यारी मम्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बाय दिस ब्यूटीफुल कप फॉर मी। ऐसा सोचते हुए प्रांजल घर पहुंचा और बोला, मम्मा मम्मा, वेयर आर यू, कहाँ हो आप? अरे अरे, आ रही हूँ प्रांजल, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मम्मा मम्मा, I saw a beautiful cup in the shop. मम्मा मम्मा, प्लीज मुझे वो ब्यूटीफुल कप दिलवा दीजिए ना। मम्मा को पता था कि प्रांजल अपनी चीजें यहाँ वहाँ फेंकता है, उन्हें प्रॉपरली नहीं रखता है। कोई भी टॉय या गिफ्ट वह ओनली फ्यू डेज ही यूज करता है, उसके बाद उन्हें फेंक देता है। मम्मा उसके इस केयरलेसनेस से बहुत परेशान थी। वे उसे वेल बिहेव्ड बॉय बनाना चाहती थी। ओके बेटा, आई विल बाय यू दैट ब्यूटीफुल कप, बट उसके पहले मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। वेयर मम्मा? दैट्स अ सीक्रेट, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। On Sunday morning, मम्मा प्रांजल को लेकर पॉटर के पास गई। पॉटर को जानते हो ना? पॉटर means कुम्हार। और वे पॉटर से बोली, बाबा, can you tell my son how a beautiful cup is made? Yes, yes, why not? तुम्हें पता है बेटा, एक कप को बनाने में कितना हार्ड वर्क लगता है। पहले दूर की प्लेस से चिकनी मिट्टी लाते हैं, फिर उसे देर तक गूंथते हैं, फिर उसे पॉटर्स व्हील यानी चाक के बीच में रखकर व्हील को खूब देर तक घुमाते हैं। और पता है कैसे घुमाते हैं? राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, बार बार। देन हाथों के सहारे उस मिट्टी को कप के शेप में लाते हैं। आफ्टर दैट कप को धूप में सुखाते हैं, फिर उसे आग में पकाते हैं। पकने के बाद उसको हम कलर करते हैं और उस पर डिज़ाइन बनाते हैं। आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 3 डेज ये ब्यूटीफुल कप रेडी होता है। ओह रियली बाबा जी, एक कप को बनाने में इतनी मेहनत लगती है, मुझे तो पता ही नहीं था। सो प्रांजल, हैव यू अंडरस्टूड नाउ कि किसी भी चीज को बनाने में कितना हार्ड वर्क लगता है? यस मम्मा, अब से मैं अपनी हर चीज को केयरफुली एंड सेफली रखूंगा। आई विल नेवर कीप थिंग्स हियर एंड देयर। दैट्स गुड बेटा, चलो अब मैं शॉप से तुम्हें तुम्हारी चॉइस का ब्यूटीफुल कप दिलवा देती हूँ। Are you happy now? Yes, Mama. I am very happy. Thank you for
फॉर दिस ब्यूटिफुल कप। इस तरह से प्रांजल ने आज एक अच्छी हैबिट सीखी थी और वह थी वैल्यू एवरीथिंग एंड नेवर बी केयरलेस, मतलब सभी चीज़ें अपने आप में मूल्यवान होती हैं, इसलिए हमें सभी चीज़ों की केयर करनी चाहिए और उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। प्रांजल ने घर आकर अपने सारे टॉयज, बुक्स प्रॉपर प्लेस में रखे और कप को स्टडी टेबल के ऊपर बने हुए शेल्फ में रख दिया।